और अब बात पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में मुफ्त बिजली गारंटी का एक साल सफलता के साथ पूरा होने पर पंजाब की जनता को बधाई दी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सभी वर्गों को राहत मिली है। क्रांति का एक साल पूरा, पंजाब में 90% परिवारों का बिजली बिल जीरो। पंजाब सरकार की तरफ से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की गारंटी के एक साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 1 जुलाई को इस योजना के लागू होने के बाद से ही पंजाब के 90% घरों को जीरो बिल का लाभ मिल रहा था। राज्य में मुफ्त बिजली गारंटी के एक साल पूरा होने पर सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि ये पंजाब सरकार के लिए बेहद तसल्ली की बात है कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी कृषि के लिए मुफ्त और बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई कर रही है। एक साल हो गया, इसके लिए मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमने ये वादा किया था, हमने गारंटी दी थी। अरविंद केजरीवाल जी जब हमारे साथ थे, हम एक टीम के रूप में पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बना दो तो 600 यूनिट फ्री मिलेंगे आपको। तो पंजाब में 2 महीने का साइकिल है, 300 यूनिट पर मंथ अगर हम जोड़ दें तो 600 यूनिट का बिल जो है वो आता है। आपको बता दें कि पंजाब में हुए पिछले विधानसभा के दौरान ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से ये वादा किया था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो पंजाब के लोगों को दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली देंगे। और अपने वादे के मुताबिक जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने अपने पहले ही बजट में पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अपना वादा पूरा कर दिया। पंजाब में पिछले एक साल 1 जुलाई को शुरू हुई इस गारंटी के अब एक साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान पंजाब सरकार ने न सिर्फ जनता से किया अपना वादा निभाया है बल्कि भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे पंजाब बिजली बोर्ड का पिछली सरकारों का बकाया भी चुकाया है। PSPCL बोलते हैं उसको भी हमने घाटे में नहीं रखा, उसकी सब्सिडी जितनी बनती थी वो उन्होंने पे कर दी। यहाँ तक के जो पिछली सरकारें सब्सिडी छोड़कर गई थी, जो देनदारी PSPCL की तरफ थी वो भी हम पे कर रहे हैं। 9,000 करोड़ से ऊपर उनकी देनदारी थी, हमने 1,804 करोड़ की एक किश्त पे भी कर दी है। 5 किश्तों में उनका पैसा क्लियर कर देंगे ब्याज के सहित। पंजाब को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के वादे के साथ सत्ता में आई सीएम भगवंत मान की सरकार की बड़ी उपलब्धि ये भी है कि लोगों को मुफ्त दी जा रही बिजली बिल की सब्सिडी का कोई बकाया सरकार पर नहीं है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने लोगों को दी गई मुफ्त बिजली की सब्सिडी का पूरा बकाया PCCL यानी पंजाब बिजली बोर्ड को चुका दिया है। इसके अलावा पंजाब बिजली बोर्ड को पूरी तरह से आर्थिक संकट से उबारने के लिए अब पंजाब सरकार पिछली सरकारों का बकाया भी बिजली बोर्ड को किश्तों में देना शुरू कर चुकी है। पंजाब सरकार की योजना पुराने सरकारों के बकाए को भी जल्द से जल्द खत्म करने की है। पंजाब में बिजली क्रांति के एक साल, पंजाब बिजली बोर्ड के आए 6 दिन, पंजाब के आम लोगों को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे और पंजाब को आगे भी किसी तरह की बिजली संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी पंजाब सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें पंजाब सरकार का सबसे अहम फैसला राज्य में साल 2015 से बंद पड़े एक कोल माइन को दोबारा शुरू करने का, जिसकी मदद से न सिर्फ पंजाब को पहली बार पर्याप्त मात्रा में कोयला मिल रहा है बल्कि दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले कोयले से भी सस्ता है। यही वजह है कि आज पंजाब के पास 43 दिनों का कोयला स्टॉक मौजूद है। और तो और, पंजाब सरकार बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता कायम करने के लिए सीएम भगवंत मान के निर्देश पर एक घाटे में चल रहे प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीदने की योजना भी बना रही है, जिसकी मदद से पंजाब सरकारी कोल माइन से निकले कोल की मदद से वहां सस्ती बिजली तैयार करेगी। पंजाब में धान की बुआई के समय बहुत बिजली चाहिए होती है, अभी 8 घंटे की गारंटी थी, हम 10 घंटे, 12, 15, कहीं 16 घंटे भी बिजली आ रही है और उसकी सब्सिडी भी 20,200 करोड़ जो बनती थी पिछले साल की वो हमने पे कर दी PSPCL को। हम कोई कर्जा लेकर ये कोई सुविधा नहीं दे रहे कोई, क्योंकि लोगों का हक बनता है। पंजाब है, दरियाओं की धरती है, पानी पर हमारा नाम है सूबे स्टेट का। हमने पछवाड़ा कोल माइन चलाई, 2015 से बंद पड़ी थी, लगभग 7.5 साल बाद हमने वो कोल माइन चलाई। वहाँ से हमें कोयला जो है वो अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिल रहा है। औद्योगिक विकास में अव्वल राज्य का दर्जा पाने के लिए सीएम भगवंत मान पंजाब को पूरी तरह से पावर सेक्टर में सक्षम बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
और इसका अंदाजा पंजाब सरकार की ऊर्जा नीति को देखकर आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि पंजाब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का रोड मैप तैयार कर चुका है। बेशक सीएम भगवंत मान की रंगला पंजाब बनाने की मुहिम अब रंग लेती दिखाई दे रही है। अमित पांडे, न्यूज 24।